फाइंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ वन ऑफ इट्स रूट इज। मैं आपको ये बोलना चाहता हूँ कि एक रूट आपको गिवन है, √3 - 2। इसको दुनिया वाले किस तरीके से लिखते हैं, जो कॉन्जुगेट होते हैं उस जो अंडर रूट में होते हैं प्राइम नंबर, उसको बाद में लिखा जाता है। तो इसको लिखा जाता है -2 + √3। हमेशा इस फॉर्मेट में ही लिखिए इसको, इसको इस फॉर्मेट में लिखिएगा। अब ये सुनिएगा, इसका एक रूट इरेशनल रूट है, एक इरेशनल रूट है। तो ये क्या होता है, ये कॉन्जुगेट पेयर होते हैं, ये कॉन्जुगेट पेयरिंग में होते हैं। तो इसका बीटा भी हमें पता चल जाएगा कि इसका बीटा है -2 - √3। हाँ, माइनस हमेशा अंडर रूट में प्राइम नंबर पे आता है। हाँ जी, ध्यान से सुनिएगा, इसीलिए हमने इस फॉर्मेट में लिखवाया गया है। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए आपको किस चीज़ की ज़रूरी है? आपको ज़रूरी है x²-√x + √√0। सम ऑफ रूट की बात करते हैं तो सम ऑफ रूट हो जाएगा आपका α+β। α+β का मतलब 2 + √3। अल्फा प्लस माइनस का 2 - √3, तो ये कैंसिल हो गए हैं यहाँ से, तो ये आ गया है -4। और α·β की बात करते हैं तो ये आ गए हैं -2 + √3 और -2 - √3। अब आप थोड़ा सा ध्यान से देखोगे इसको तो a - b, a+b नज़र आएगा आपको, जो होता है a²-b²। तो इसका मतलब हो गया है 4 - 3, तो ये हो गया है 1। ये अल्फा बीटा आ गया है। अगर अल्फा बीटा आ गया है तो हम इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को लिख सकते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगी आपकी x² - का सम ऑफ रूट हो जाएगा -4x, और प्रोडक्ट ऑफ रूट हो जाएगा +1 = 0। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गई है x² + 4x + 1 = 0। हाँ जी, आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गई है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपकी बन गई है। क्वेश्चन इजी था, इसको अगर हम शॉर्ट तरीके से देखते हैं तो किस तरीके से देखते हैं, है ना। मैं इतना टाइम नहीं लेता, मैं इतना ही टाइम लेता कि अल्फा आपके पास -2 + √3 है, तो बीटा आपके पास आता है -2 - -√3। अगर सम ऑफ रूट की बात करते हैं तो इनको जोड़ते तो यहाँ था -4 α + β, और प्रोडक्ट और की बात करते हैं तो a - b का मतलब -2 का² - √3। बस बात खत्म। हाँ, तो यहाँ आ जाता 1, ये आ जाता, मैं इस इक्वेशन में रख देता। ये इक्वेशन आपको याद होनी चाहिए, ये इक्वेशन आपको याद होनी चाहिए।